प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर, मैं हूं आपके साथ रितु सुमन। सोमवार की रात करीब 9:15 बजे, वो वक्त जब फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की दुनिया अचानक थम गई। तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करीब 6 से अधिक घंटे तक ठप रहे। इससे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के भारत समेत पूरी दुनिया में अरबों यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि इस दौरान टेलीग्राम और सिग्नल जैसे मैसेजिंग ऐप काम करते रहे। आपको बता दें, भारत में तीनों सोशल मीडिया ऐप आज सुबह 4 बजे शुरू हुए हैं, लेकिन तब तक फेसबुक को बड़ा नुकसान हो चुका था। बता दें कि इन तीनों सोशल मीडिया ऐप का मालिकाना हक फेसबुक के पास है। सेवाएं दोबारा शुरू करने के बाद फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग ने लिखा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर फिर से शुरू हो गए हैं। आज इनके बंद होने से हुई दिक्कत के लिए माफी मांगते हैं। हम जानते हैं कि जिन लोगों की आप परवाह करते हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए आप हमारी सेवाओं पर कितना भरोसा करते हैं। वहीं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सोशल मीडिया ऐप फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के इस तरह घंटों ठप रहने से मार्क जुकरबर्ग की व्यक्तिगत संपत्ति में $6 बिलियन से अधिक की गिरावट हुई है। फेसबुक के CEO को हुए नुकसान ने जुकरबर्ग को दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में नीचे कर दिया है। इसका स्टॉक भी सोमवार 4 अक्टूबर को 4.9% गिर गया। फेसबुक का स्टॉक लगभग $140 बिलियन से घटकर $121.6 बिलियन हो गया, जिससे मार्क को बिल गेट्स से नीचे ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स पर नंबर 5 पर रखा गया। आखिर क्यों रहे तीनों प्लेटफॉर्म ठप? दरअसल डोमेन नेम सिस्टम में आई गड़बड़ी के कारण यूजर को फेसबुक के वेब पेज पर जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही थी। डोमेन नेम सिस्टम facebook.com जैसे डोमेन नामों को संबंधित वेबसाइट के असली इंटरनेट प्रोटोकॉल पते में परिवर्तित करता है। वायर्ड की माने तो DNS रिकॉर्ड में हुई गड़बड़ी किसी भी वेबसाइट से जुड़ना असंभव बना सकता है। वही घंटों बाधित सेवाओं के कारण यूजर्स ने ट्विटर पर जमकर प्रतिक्रियाएं दी। दरअसल यूजर्स के पास इन तीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बंद होने के बाद ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। यहाँ तक कि खुद फेसबुक और व्हाट्सएप ने भी अपनी बात रखने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। दूसरी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।